वी आर गोइंग टू स्टार्ट वी आर गोइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट थर्ड एक्सपेरिमेंट फॉर टर्म टू एग्जामिनेशन आई एम गोइंग टू रीड एम आर थर्ड एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ ऑफ गिवन वायर अंडर कॉन्स्टेंट टेंशन यूजिंग सोनोमीटर टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन न्यू एंड एल यू हैव टू प्लॉट ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ बिटवीन टू ब्रिजेस दैट इज न्यू एंड एल सो विद इन स्मॉल ब्रैकेट वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ लेंथ इसको आप लोग पढ़ोगे लॉ ऑफ लेंथ ऑफ दिस इज द लॉ ऑफ स्ट्रेस्ड वाइब्रेटिंग वायर है ये है ना उसमें आप देखेंगे कि लेंथ ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क है ना तो न्यू प्रोपोर्शनल वन बाई एल होता है तो एन एल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है इट इज सोनोमीटर इट इज फिगर फॉर सोनोमीटर यहां पर आप देख रहे होंगे इट इज मेड इट इज वुडन बॉक्स एंड इट हैज टू स्केल एक स्केल लेफ्ट में दूसरा स्केल राइट में है एक स्टील का वायर लगा है फर्स्ट एंड ऑफ वायर इज अटैच्ड विद दिस फ्रेम नाउ इट इज योर हॉरिजॉन्टल वायर जा रही है वायर इज पासिंग ओवर पुली इट इज फ्रिक्शनलेस पुली नाउ इट इज योर हैंगर एंड वी पुट सम लोड ऑन हैंगर जैसे आप देख रहे हैं वेट ऑफ इच कितना मास ऑफ इच वेट लोड इज हाफ के जी तो ये चार लगाए हैं 1 2 3 4 तो मैंने लोड लगाया देखिए यहां पर वी आर पुटिंग कॉन्स्टेंट लोड एट थ्री एंड ऑफ द वायर दैट इज हैंगर आपको जो वायर में टेंशन लगाना है उसको कांस्टेंट लगाना है कांस्टेंट 2 केजी हमने लगा दिया देन टेंशन इज प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेस्ड वायर समझ में आया दिस आर टू ब्रिजेस ये दो ब्रिज है ना एंड वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू ब्रिज इन रेजोनेंस पोजिशन रेजोनेंस में आप लोग पढ़ोगे पर सबसे पहली बात यह है कि इसको देखेगा इट इज कॉल्ड ट्यूनिंग फॉर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाई यूजिंग ट्यूनिंग फॉर सपोर्ट 256 इज रिटन दैन फ्रीक्वेंसी ऑफ सच ट्यूनिंग फॉर इज 256 हर्ट्ज हर्ट्ज एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज आर साइकिल पर सेकेंड दैट इज वैन अब ये देखिएगा एक यहाँ पर रबर का ये है इससे हम स्ट्राइक करेंगे दिस आर कॉल्ड इट इज कॉल्ड स्टेम ऑफ ट्यूनिंग फॉर दिस आर प्रोंग लेफ्ट प्रोंग राइट प्रोंग आप इसको ऐसे हाथ से पकड़ेंगे हैंडल को आपका हाथ यहाँ टच नहीं होना चाहिए और ये देखिएगा आपकी रबर का जो ये है इसमें आप स्ट्राइक करोगे लाइक दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैन बी यू कैन हियर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूनिंग फॉर सपोज फ्रीक्वेंसी इज 256 दैट इज दिस ट्यूनिंग फॉर कंप्लीट्स 256 ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ये मालूम है आपको पढ़ चुके हो तो इसको आप जब वाइब्रेट कराएंगे ना तो ऐसे हाथ से पकड़ेंगे हाथ को ऊपर नहीं ले जाएंगे नहीं तो वाइब्रेट नहीं होगा तो आपको ऐसा सुनोगे दैट यू कैन हियर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फॉर सुनाई देगी आपको अब मैं रेजोनेंस बता देता हूं रेजोनेंस में क्या रहता है सबसे पहली बात यह है कि व्हेन वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर इज प्लेस्ड ओवर सोनोमीटर एंड इनसाइड सोनोमीटर देयर इज हॉलो बॉक्स एयर इज फिल्ड यहां देख रहे हैं दो छोटे छोटे होल है सोनोमीटर में है ना इसमें एयर पार्टिकल इज फिल्ड इनसाइड सोनोमीटर व्हेन वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर इज प्लेस्ड ओवर सोनोमीटर देन क्या होगा ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर दिस वुडन बॉक्स आल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ वुडन बॉक्स एयर पार्टिकल विल बी वाइब्रेटिंग देन दैट वायर आल्सो वाइब्रेट्स तो आपने रेजोनेंस में देखा है ये ड्राइवर हो गया है ना When some external force is applied, that is, if frequency of driver is equal to frequency of driven, तो ये आप resonance में पढ़ोगे कि when if vibrating tuning fork is placed over sonometer, then due to vibration of tuning fork, air particle filled inside sonometer also vibrates, and due to vibration of air particle, that stressed wire also vibrates with its main position. अब एक चीज याद रखना एक ब्रिज को कांस्टेंट रखेंगे दूसरे ब्रिज को हम स्लाइड करेंगे है ना तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क ये ड्राइवर हुआ और ये जो वायर वाइब्रेट हो रहा है वो ड्राइवर हो गया एक फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वायर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क देन फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस ऑकर्स
and E in position of resonance, amplitude of vibration of the wire becomes maximum, then rider placed on wire falls down. आपको ये प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करेंगे आप? ऐसा इस प्रकार ट्यूनिंग फॉर्क को यहाँ रखेंगे, तो इसके वाइब्रेशन के कारण एयर पार्टिकल वाइब्रेट होता है सोनोमीटर के अंदर, जिसके कारण वायर वाइब्रेट होता है। तो आपको दो ब्रिज दिए गए हैं, एक मैंने 30 cm में रखा है, इसको स्लाइड करेंगे धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ पर एक राइडर, राइडर से भी राइडर भी नहीं लगाओगे चलेगा, जहां पर रेजोनेंस होगा वहां इंटेंसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम हो जाएगी, बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। जैसे आपको आवाज सुनाई देगी, आपको आवाज सुनाई देगी, देख रहे हैं, और एग्जैक्ट पोजिशन निकालने के लिए हम लोग यहां पर राइडर लगा देते हैं, जहां पर रेजोनेंस होगा जब राइडर फॉल्स डाउन, राइडर नीचे गिर जाता है। कई बार यह होता है कि ये कागज चिपक जाता है राइडर तो नहीं गिरता, लेकिन हाँ पता चल जाता है कि जहां ब्रिज के दोनों ब्रिज के दोनों पोजिशन के लिए, मतलब ये लेंथ हो जाएगी, लेंथ बिटवीन बोथ ब्रिज इज एल, ठीक है। तो वहां पर हम स्केल से दोनों ब्रिज के बीच की लेंथ को मेजर करेंगे, उस लेंथ को एक को 30 में रखा, दूसरे को स्लाइड करते जाएंगे, और उसके पर्टिकुलर सेकंड ब्रिज के पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हम रेजोनेंस निकालेंगे, जहां पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम होगी। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो वहां पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम हो जाएगी, दैट इज एल, ठीक है। तो यहां पर मैं रीडिंग बता देता हूं आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है। सपोज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ट्यूनिंग फॉर्क इज 256 हर्ट्ज एंड फर्स्ट ब्रिज हर्ट्ज एट द पोजीशन ऑफ 30 cm दिख रहा है ना, और इसको कांस्टेंट रखेंगे फर्स्ट ब्रिज को। यहां मैंने एक कागज का पीस लगाया, इट इज कॉल्ड राइडर, जहां पर रेजोनेंस होगा ये राइडर नीचे गिर जाएगा, चूंकि उस समय वायर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होती है, द राइडर फॉल्स डाउन, ओके। इट इज योर सेकंड ब्रिज एंड सपोज दिस सेकंड ब्रिज इज हेल्ड एट डिस्टेंस ऑफ 66 cm, तो आप स्टार्ट प्रैक्टिकल, तो इस प्रकार आप स्टेम को पकड़ेंगे ट्यूनिंग फॉर्क का, इस प्रकार वाइब्रेट कराएंगे तो आपको आवाज सुनाई देगी। देखिए पर्टिकुलर हो सकता है राइडर ना गिरे, ये भी बता देता हूं, ये चिपक जाता है नहीं गिरता है। इस प्रकार आप लगातार 1 cm या 0.5 cm सेकंड ब्रिज को ऐसा स्लाइड करके आपको इंटेंसिटी ऑफ साउंड को सुनना है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को सुनेंगे, है ना। इसको कम ज्यादा कर सकते हैं ऐसा, देखिए यहां इंटेंसिटी ऑफ साउंड बढ़ गई है, मेरे को सुनाई दे रही है, ये गिरने की कोशिश कर रहा है लेकिन हिल रहा है ना, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। देखिए और कम करके देखते हैं, ये करीब करीब 67 है ना, ये राइडर नीचे गिर गया, आप लोग देख रहे होंगे, ये रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस में मैं पहले बता चुका हूं कि इन फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस वायर वाइब्रेट्स विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देन राइडर फॉल्स डाउन, तो उस समय देन नोट द पोजीशन ऑफ सेकंड ब्रिज। तो ये जैसे यहां पे 66 दिख रहा है, अब वो 1-2 cm का डिफरेंस पड़ता ही है ना। जैसे रीडिंग आपके सामने है, हम लोग अभी डिमॉन्स्ट्रेट करके देखे थे, तो इसमें पहले आप इंक्रीजिंग करके देखना है, इसको थोड़ा थोड़ा सरका कर आप आवाज को लगातार सुनते जाइएगा, है ना, इंक्रीज करके देखिए। उसके बाद मान लो यहां तक ले गए 2 cm और सरका दिए, फिर डिक्रीज करना है आपको, तो डिक्रीजिंग पोजिशन में आपको फिर से दोनों ब्रिज के बीच का डिस्टेंस जहां पर रेजोनेंस होता है वहां नोट कर लेना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर 256 हर्ट्ज दिख रहा है, और रेजोनेंस लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजिंग लेंथ आया हमारा, फर्स्ट ब्रिज को मैंने 30 cm में रखा, सेकंड को 68 में, तो L1 की वैल्यू हो गई 68 - 30, दैट इज 38 cm। अब उसके बाद डिक्रीज करके देखना है आपको थोड़ा सा, है ना। तो वो आपका सेकंड ब्रिज 69 में था और फर्स्ट ब्रिज को कांस्टेंट रखना है 30, तो 69 - 30 मतलब 39 cm हो गया। दोनों का मीन निकाल लीजिए, तो L=L1+L2/2 करेंगे, 38 + 39/2 दैट इज 38.5 cm, इट इज वैल्यू ऑफ L1, ठीक है, और ये हो जाएगा न्यू वन। तो इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क मान लो न्यू वन है ना, और L1 आया तो न्यू इंटू L1 कांस्टेंट आता है, उसकी वैल्यू आएगी 9856, ठीक है। अब 1/L भी फाइंड करिएगा, चूंकि आपको न्यू और 1/L में भी ग्राफ प्लॉट करना है, तो 1/250 1/L दैट इज 1/38.5, तो ये आएगा 0.02। उसके बाद
टेक सेकंड ट्यूनिंग फार्क, सेकंड ट्यूनिंग फार्क में यहाँ लिखा है 341.3 इस फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फार्क, है ना। इसके लिए भी वही प्रैक्टिकल आपको करना है, इसको 30 सीएम में रखेंगे और राइडर को इस प्रकार हम लगा दिए, ठीक है। और उसी प्रकार आपको जैसे आपने फर्स्ट ट्यूनिंग फार्क के लिए किया, आपको प्रैक्टिकल को रिपीट करना है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। तो इसको मैंने 30 में ही रखा है और इसको थोड़ा थोड़ा स्लाइड करके देखेंगे इस प्रकार। ये देखिए कितनी क्लियर आवाज आ रही है ना, अभी 56 में है। वो राइडर गिरता है कि नहीं गिरता है फर्क नहीं पड़ता, देखिए आवाज बढ़ रही है, आपको पता चल जाएगा। साइलेंट पोजीशन में इस प्रैक्टिकल को किया जाता है, जहां रेजोनेंस होगा वहां इंटेंसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम हो जाती है। थोड़ा सा आगे पीछे करके देखिए आप, इस प्रकार हाफ सीएम, वन सीएम, सरकार सरकार के देखिए, देखिए गिरने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये गिर नहीं पा रहा है क्योंकि चिपका हुआ है राइडर, है ना। तो ये करीब करीब इसी करीब आएगा, थोड़ा सा कम करते हैं, ये देखिए बढ़ गया, बहुत क्लियर आवाज है यहां पे, और कम करिए, बढ़ गया है। तो 56 करीब करीब है। तो यहां पर इंक्रीजिंग में जैसे है आपका L1 58 आया है ना, तो 58 करके देख लीजिए, जैसे हम लोग किए थे अभी 58 आया था, यस इंटेंसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम है यहाँ, तो 58 हो गया। फर्स्ट पोजीशन की पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्रिज इज 30, तो 58 - 30 = 28। और उसी प्रकार डिक्रीजिंग करना है तो 56 में इसको रखने पर सेकंड ब्रिज को इस प्रकार 26, प्रोसीजर सेम है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों का प्रोडक्ट अब न्यू टू है 341.3, L2 है आपको 26, है ना, L2 है 27, सॉरी दोनों का मीन, तो क्या आया 341.3 × 27। ये यहाँ पे कैलकुलेशन देख लीजिएगा, पहले वाले को न्यू वन L1 करना, सेकंड को न्यू टू L2, थर्ड को न्यू थ्री L3, फोर्थ ऑब्जर्वेशन न्यू फोर L4, देन न्यू फाइव L5, सब लगभग कांस्टेंट आएगा, बिकॉज लेंथ ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, तो न्यू L इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाता है, लगभग कांस्टेंट आ रहा है, देखिए दोनों का प्रोडक्ट। उसी प्रकार न्यू L निकालेंगे तो सब ट्यूनिंग फार्क में लिखा है, जैसे ये 512 लिखा है, दिख रहा है 512 हर्ट्ज का है ना, सबको मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यहां लिखा है 384, ये रीडिंग आपको मिल जाएगी, रीडिंग भेजेंगे हम लोग आप लोगों के पास, ये 384 के लिए रीडिंग है, मैं रीड करके बताऊंगा। ये 480 हर्ट्ज है, पांच ट्यूनिंग फार के लिए है, देखिएगा है ना, ये 480 हर्ट्ज इस प्रकार उसमें वैल्यू लिखा रहता है ट्यूनिंग फार्क में। इस प्रकार मैं रीडिंग को एक बार रीड कर देता हूं, एक बार सुन लीजिए। ऑब्जर्वेशन सीरियल नंबर 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फार्क इज 256 हर्ट्ज, लेंथ इंक्रीजिंग 38, डिक्रीजिंग 39, मीन वैल्यू 38.5, न्यू L इक्वल्स टू 9856, 1/L इज 0.02। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फार्क 341.3, L128, L226, मीन आएगा 27। नाउ प्रोडक्ट ऑफ न्यू टू L2 दैट इज 9215.1, 1/L इज 0.03, लाइक दैट। थर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ट्यूनिंग फार्क इज 384 हर्ट्ज, L1 24, L2 23, तो दोनों का मीन 23.5 × 384 दैट इज 9024, 1/L आएगा 0.04। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ ट्यूनिंग फार्क 480, इंक्रीजिंग में L1 20, L2 21, तो मीन आ जाएगा 20.5, न्यू L आएगा इसका, मतलब न्यू 4 L4 9840, ना 1/L इज 0.048। फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फार्क दैट इज 512, फॉर दिस फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ L1 इज 18, वैल्यू ऑफ L2 इज 19, देन मीन इज 18 प्लस 19 दैट इज 37/2, देन इट इज 18.5 होगा ना, ये 18.5, नाउ 18.5 इट इज 18.5 दिख रहा है, सो 18.5 × 512 दैट इज 9472, 1/L हो जाएगा 0.54। नाउ यू हैव टू प्लॉट ग्राफ, आपको दोनों में से कोई एक ग्राफ बनाना है। यहां पर डिफरेंट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फार पांच फ्रीक्वेंसी लिए हो, दिस वैल्यू आर टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और लेंथ बिटवीन बोथ ब्रिजेस आर टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस, इट इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन, स्केल को चूज कर लेना अपने हिसाब से, बुक में लिया है। ऑन एक्स एक्सिस 1 cm इक्वल्स टू 32 हर्ट्ज ऑफ न्यू, वाई एक्सिस में लिया है 1 cm इक्वल्स टू 5 cm ऑफ लेंथ, है ना।
तो इस प्रकार स्केल बनाएंगे तो आपको पॉइंट मिलेगा, देन ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ इज ऑफ ट्रेंड एस कर्व। चूंकि आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो लेंथ कम होती जाएगी, है ना। और दिस इज योर सेकंड ग्राफ, ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ मतलब 1/L। 1/L मतलब ये 0.02, 0.03 है ना, जिसको इधर ले लेंगे वाई एक्सिस में, या फ्रीक्वेंसी है। एंड बिकॉज न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L, सो न्यू इक्वल्स टू कांस्टेंट 1/L, सो न्यू एल इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हो जाता है। तो दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे देन यू विल ऑब्टेन स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको। इस प्रकार ये प्रैक्टिकल है, कैलकुलेशन आपके सामने ये है जो दिख रहा है। उसके बाद रिजल्ट में आपको लिखना है कि न्यू एल इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ लिख दीजिएगा। तो दिस वेरीफाई लॉ ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसफर वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, इतना आपको रिजल्ट में लिखना है। प्रिकॉशन आप 3 लिख लीजिए, है ना, प्रिकॉशन आपको 3 लिखना है। प्रिकॉशन दिया है, दिखेगा पेज नंबर 212 में। उसके बाद सोर्सेस ऑफ एरर भी लिखा है। आपको इतना ही करना है, दोनों ग्राफ में से कोई एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, इधर नहीं करना है। इट इज सेकंड पार्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, आपको ये करना है जहां पे टेंशन कांस्टेंट है। यहां लिखा है ना कांस्टेंट टेंशन ऑफ द वायर टी इक्वल्स टू 2 kg लगाए हम लोग, कांस्टेंट होगा टेंशन, टेंशन को कांस्टेंट रखना है, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर करके लेंथ निकालते जाना है। तो इस प्रकार आप प्रैक्टिकल को कंप्लीट कीजिए, इसको हम लोग आप लोगों को सेंड करेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से लिखेगा। सो इट इज योर थर्ड प्रैक्टिकल, कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।